हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं राजनगर रक्षक सीरीज की दूसरी कॉमिक्स हाइबरनेशन का पहला भाग। रीकैप: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक हैमंड अपने विध्वंसकारी हथियार के को हिंदुस्तान के बीहड़ राजगढ़ के जंगलों में छुपाने आता है, पर एक हादसे में हैमंड और उसका सहायक ऑफिसर बेट्स मारे जाते हैं। वह हैमंड का विध्वंसकारी हथियार राजगढ़ के एक अंधकूप में दफन हो जाता है। कई दशकों बाद राजगढ़ के जंगल हिंदुस्तान के महानगरों में से एक राजनगर में बदल चुके हैं, जहां डॉक्टर अनीस रजा श्वेता के साथ मिलकर कॉम्बैटिंग ड्रोन्स तैयार करने में लगे हुए हैं, जो कि आने वाले समय में फ्यूचर पुलिसिंग का स्वरूप होगा। इसी बीच अलग अलग घटनाओं में ध्रुव और स्टील राजनगर नेशनल फॉरेस्ट में प्रोटोप्लास्ट नामक एक परग्रही और एक अनआइडेंटिफाइड मशीनरी से टकराते हैं। प्रोटोप्लास्ट ध्रुव को एक ऐसे भीषण हथियार के बारे में बताता है जिसने उसके ग्रह को तबाह कर दिया और जो अब पृथ्वी को भी तबाह करने वाला है। स्टील अनआइडेंटिफाइड मशीनरी को ध्रुव की मदद से ध्वस्त कर देता है, पर उससे टकराने के बाद स्टील के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। उधर राजनगर में दो ब्रिटिश साइंटिस्ट अपने एनालाइजर वेपन्स की प्रदर्शनी के लिए आते हैं, जिनकी सुरक्षा का दायित्व स्टील को सौंपा जाता है। मैकेनिक इन वेपन्स को चुराने की कोशिश करता है। इन घटनाओं के कुछ माह पश्चात राजनगर का स्वरूप बदल चुका है। अब यह एक भयावह और खतरनाक स्थान है जो कहलाता है हाइबरनेशन। राजनगर नेशनल म्यूजियम फ्यू मंथ्स बैक: मेरी नई इजाद इन माइक्रो ड्राइवर्स में मिनी लोकेटर्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि इन्हें फेंके जाने वाली दिशा में मशीनरी जॉइंट्स को ऑटोमेटिकली लोकेट कर उन्हें डिटैच कर देते हैं। छनाक, सर सर, काम तो मेरी उम्मीद से पहले ही पूरा हो गया। चलो अच्छा है, जेल जाने से पहले तुम्हारी कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं रहेगी मैकेनिक। इंस्पेक्टर स्टील, यानी ये सब एक सेटअप था? अब यह सेटअप तुझे लॉकअप पहुंचाकर एंड होगा। शक, अटैक अलर्ट, मेरे माइक्रो ड्राइवर्स को भूल गया तू? 2 सेकंड में तुझे भी इन एनालिटिकल वेपन्स की तरह पुर्जा पुर्जा कर देंगे ये। किर, मेरी स्टील बॉडी के आउटर स्ट्रक्चर में 440 वोल्ट करंट फ्लो हो सकता है मैकेनिक, जो कि मेरे इंटरनल सर्किट हार्डवेयर और ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तेरे इन माइक्रो ड्राइवर्स और इनमें फिट माइक्रो प्रोसेसर्स को राख कर सकता है। 440 वोल्ट करंट आउटफ्लो एक्टिवेटेड। यू आर अंडर अरेस्ट। ग्लैडिएटर गैंग को ब्रिटिश कार को चुराने के लिए भेजने वाले तुम थे, या फिर तुम भी उनकी तरह किसी और के लिए काम कर रहे हो? सवालों के जवाब यहाँ अभी देना चाहते हो या फिर लॉकअप में पिटते हुए? जानते हो स्टील, मशीनों से भी ज्यादा नफरत मुझे किससे है? क्लिक, तुम जैसी मशीनों से, जो खुद को इंसानों से ऊपर, उनसे काबिल, उनसे समझदार समझती हैं। तुम्हें पता है बाहर पुलिस के वाहन अपने आप ही स्टार्ट होकर कैसे चलने लगे? डेंजर अलर्ट, हाई लेवल एक्सेलरेशन इनिशिएटेड। ये एक्सेलरेटर डिवाइस है। ये किसी भी मशीन को स्वचालित मोड पर डालकर उसकी पावर खतरनाक लेवल तक बहुगुणित कर सकती है, जिसका नज़ारा तुम बाहर देख ही चुके हो। अब खुद ही अंदाजा लगा लो कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। उफ, मैं पूरा बल लगाकर भी इस डिवाइस को खुद से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा खुद पर से नियंत्रण पूरी तरह हट चुका है। सेम टाइम, कमिश्नर राजंस महराज रेसिडेंट: मेरी रात्रि गश्त पर निकलने का टाइम हो रहा है माँ, मैं चलता हूँ। अरे डिनर तो करता जा, पनीर कचौड़ियाँ बना रही हूँ खास तेरे लिए। कचौड़ियाँ खाकर मैं क्राइम फाइटिंग कैसे करूँगा माँ? मैं तो कहता हूँ कि इस बंदरिया को भी मत दो कचौड़ियाँ, खा खा कर अगर मोटी हो गई तो इससे शादी कौन करेगा? ए ए भैया, खुद खा नहीं सकते तो मेरे खाने पर नज़र मत लगाओ। हाई कैलोरी फूड से दिमाग की बत्ती जलती है, समझे? हाँ, मैंने सुना तो था उस बायोगैस मशीन के बारे में जो गोबर डालने से बिजली बनाती है, आज देख भी लिया। गोबर? तुम कहना चाहते हो मैं गोबर खाने वाली मशीन हूँ? मम्मी देख लो, तुम्हारा लाडला बेटा तुम्हारे बनाए खाने को गोबर कह रहा है। भगवान से डर झूठी, मैंने मम्मी के खाने को कब गोबर खा? मैं तो कैलोरी और जंक फूड की बात कर रहा था। अब बस करो तुम। हे राम, श्वेता, मम्मी आप लोग ठीक तो है ना? हाँ 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 भैया, हम दोनों ठीक है, पर ज्यादा देर तक यहाँ किसी को ठीक नहीं रहने देगी मेटालिका। श्वेता, तू मम्मी को लेकर ऊपर जाओ और दरवाजा लॉक कर ले, मैं इसे संभालता हूँ। कोई नहीं जाएगा, लाइव मेटल, ये तो लाइव मेटल है।
पर लाइव मेटल टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक थ्योरी है जिस पर शोध चल रहा है। अभी तक संसार में कोई भी स्थायी तौर से लाइव मेटल को मेटल ह्यूमनॉइड में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया है। मानना पड़ेगा लड़की, मौत सामने है और तुझे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की चिंता सता रही है। मुझे लगा था कि मेटालिका मेरे लिए यहाँ आई है, पर यह तो श्वेता के पीछे पड़ गई। किचन में एक चीज़ है जो इसे रोकने में शायद मेरी मदद कर सकती है। मुझे चिंता ज़रूर सता रही है, पर खुद की नहीं, तुम्हारी, क्योंकि मेरी और मम्मी की ओर बुरी नज़र डालकर तुमने अपनी शामत बुला ली है। दुनिया में ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना हुआ है और ना ही हो सकता है जो मेरे भैया को रोक सके। देखते हैं कि ध्रुव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ओ शाबाश भैया, बहन की जुबान की लाज रख ली तुमने। तेरी इस कतरनी के चलने ने ही मुझे इतना समय दे दिया कि मैं ये खोलता हुआ देसी की किचन से लाकर इस पर डाल सकूं। तूने कैसे जाना कि इसे देसी घी से नुकसान पहुंचेगा? वास्तव में इसे नुकसान देसी घी से नहीं बल्कि उसके खोलने से पहुंचा है। यहां आते ही जब इसने मुझ पर वार किया तो इसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, जिससे मैंने ये अनुमान लगाया कि खुद को लिक्विड स्टेट और दोबारा सॉलिड मेटल में परिवर्तित करने के लिए इसका टेम्परेचर कंट्रोल आवश्यक है। यानी अगर इसका तापक्रम बिगड़ जाए तो यह तरल से ठोस और ठोस से तरल में नहीं बदल पाएगी। बस मुझे फौरन आपकी कचौड़ियों वाले देसी घी का ख्याल आया। खौलते घी के अनसेचुरेटेड फैट सेल्स यानी सेल्स आसानी से इसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में मिल गए और इसका स्वरूप बिगाड़ दिया। अब इसको किसी टेम्परेचर प्रूफ कंटेनर में कैद करना इतनी जल्दी नहीं। ध्रुव, चाल बढ़िया थी, पर मेरे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में तूने जो उष्ण तरल पदार्थ डाला था उसकी ऊष्मा का स्तर अब न्यूनतम हो गया है। अब मैं तो अपना शरीर पुनः बना लूंगी, पर तेरे शरीर की इतनी हड्डियां टूटने वाली हैं कि तू अपना शरीर दोबारा उठाने लायक नहीं रहेगा। ये तो फिर रिफॉर्म होकर भैया पर वार कर रही है, पर भैया और मम्मी के यहाँ होते हुए मैं चंडिका नहीं बन सकती। पर भैया ने इसकी जो टेम्परेचर थ्योरी बताई है उस पर काम करने के लिए एक चीज है मेरे पास, डॉक्टर अनीस रजाज लैब। ये सिग्नल यानी स्टील की बॉडी कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने स्टील के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया था कि अगर स्टील का बॉडी मैकेनिज्म अमर के या मेरे कंट्रोल से बाहर जाएगा तो ये अलार्म बज उठेगा। मुझे स्टील की मौजूदा स्थिति का अवलोकन करना होगा। अमूमन यदि इंसानी आंखों को मेगापिक्सल के मानक पर तोला जाए तो आम इंसान की आंखों की कैपेसिटी 576 मेगापिक्सल होती है, पर स्टील की आंखें जो कि दरअसल शक्तिशाली कैमरे हैं 8500 मेगापिक्सल की कैपेसिटी रखते हैं और इन कंप्यूटर्स को लाइव वीडियो फीड देते हैं। स्टील की आंखों के शक्तिशाली कैमरों द्वारा मैं उसके आसपास का दृश्य वैसे ही देख सकता हूं जैसे अपने चारों ओर का। मैकेनिक ने स्टील की बॉडी का कंट्रोल उसके दिमाग से हटा दिया है। स्टील की शक्तियां अनियंत्रित हो रही हैं। स्टील की बॉडी एक्सेलरेशन मोड पर है, मैं भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। स्टील का मास्टर प्रोग्राम फॉर्मेट करके दोबारा इंस्टॉल करना होगा। बाकी शक्तियों के साथ मेगा गन भी मेरे दिमाग के कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। अगर जल्द ही कोई रास्ता नहीं निकला तो ये मलबे का ढेर नजर आएगी। शाबाश स्टील, अपने लिए खुद की कब्र का इंतजाम कर ले, मैं तो चला। हा 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 हा, बूम च्यूम ब्रूम च्यूम। डीएनए मैच फाउंड, क्रिमिनल आइडेंटिफाइड, मैकेनिक, इमीडिएट अरेस्ट इनिशिएटेड। उफ, अब ये क्या बला है? जो भी है, मेरे एक्सीलरेटर डिवाइस से नहीं बच सकते ही है। साए, इन्होंने तो एक्सीलरेटर डिवाइस के ही परखच्चे उड़ा दिए। अगर अपना भी यही अंजाम नहीं चाहते मैकेनिक, तो सरेंडर कर दो। इन ड्रोन्स के ट्रैकर्स ने तुम्हारा डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया है। अब तुम कहीं भी भाग लो, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये शॉक प्रूफ ड्रोन्स 440 वोल्ट तक का करंट आराम से झेल सकते हैं। स्टील की बॉडी में प्रवाहित होता करंट इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये आराम से स्टील के शरीर से अटैच हो जाएंगे। इन ड्रोन्स में लगे माइक्रो ड्रिलर्स स्टील की बॉडी में सूक्ष्म सुराख करेंगे, जिनके जरिए ड्रोन्स की कनेक्टिंग केबल स्टील के ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ जाएगी। जितनी देर में ड्रोन्स स्टील के मास्टर प्रोग्राम को रीइंस्टॉल करेंगे, बाकी ड्रोन्स तुम पर नजर रखेंगे। ध्यान रखना मैकेनिक, तुम्हारी अपनी जगह से हिलने की जरा सी भी कोशिश तुम्हें इन ड्रोन्स की लेजर बीम का सीधा निशाना बना देगी। स्टील, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यस डॉक्टर अनीस, मास्टर प्रोग्राम रिबूट हो चुका है। अब दोबारा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना मैकेनिक। मेरी बात सुनो स्टील, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी नज़र में एक अपराधी हूँ, पर मैं जो कहने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है। ये एनालिटिकल वेपन्स बहुत बड़े विनाश का सबब बनने वाले हैं और
तुम्हें मौन रहने का अधिकार है। जो कुछ भी तुम कहोगे उसे कोर्ट में तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तुम समझ नहीं रहे हो स्टील, वो मैंने राजनगर फॉरेस्ट में मौजूद उन अनआइडेंटिफाइड मशीनरी के हिस्सों पर कुछ परीक्षण किए हैं। और अरे ये क्या हुआ, स्टील की आंखों से आती लाइफ फिट कैसे अवरुद्ध हो गई? समझ तुम नहीं रहे हो मैकेनिक, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। ओ माय गॉड। मीन वायलट कमिश्नर्स राजन महराज रेसिडेंस। इसे दोबारा डिफॉर्म करने के लिए कम से कम 1 गैलन खौलता घी चाहिए होगा। च्यूं च्यूं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, मैं इसका परमानेंट इंतजाम करके आई हूँ। ये 4 ड्रोन्स में फर्दर टेस्टिंग के लिए लैब से लेकर आई थी। मुझे क्या पता था कि आज इनकी ग्राउंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हीट रेज एक्टिवेट। तेरे इन खिलौनों की ऊष्मा कुछ पलों के लिए मेरा तापक्रम अवश्य बढ़ा सकती है, पर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चंद पलों में ही पुनः कई 100 डिग्री माइनस में चला जाएगा। यह ठीक कह रही है श्वेता, ऐसे इसे अधिक देर तक नहीं रोका जा सकता। मैं भी तुम्हारी बहन हूँ मिस्टर भैया, कुछ देर मेरे दिमाग पर भी भरोसा कर लो, निराश नहीं होगे। हीट वेव्स डीएक्टिवेट। लगता है तुझे अकल आ गई लड़की, देख मेरा तापक्रम पुनः 0 से नीचे चला गया है। गुड, मेरी उम्मीद से जल्दी ही तेरा बंदोबस्त हो जाएगा। हीट वेव्स एक्टिवेट, हीट वेव्स डीएक्टिवेट। आखिर तू कर क्या रही है श्वेता? मैं समझ गया मम्मी की श्वेता क्या कर रही है। श्वेता मेटालिका का हीट ट्रीटमेंट कर रही है। हीट वेव्स डीएक्टिवेट, हीट वेव्स एक्टिवेट, जिसमें किसी भी धातु का तापमान उसके मेल्टिंग पॉइंट तक बढ़ाया जाता है और फिर उसे ठंडा होने दिया जाता है, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। हीट वेव्स डीएक्टिवेट, जिससे कि धातु ठोस हो जाती है। इस प्रक्रिया में ऐसे तो काफ़ी समय लगता है, पर क्योंकि मेटालिका का तापमान 0 से भी कम है, इसलिए यह प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी हो गई। और मेटालिका का शरीर इतना सख्त हो चुका है कि वार करना तो दूर, यह हाथ पर हिलाने लायक भी नहीं रही। टाडा, वह किसी शोरूम में मैकेनिक मैनीक्वीन बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या कहा था मैंने भैया, अब मानते हो ना श्वेता आदि ग्रेट के दिमाग का लोहा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सिस्टर। मेरे प्यारे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। अब ये डेली सो वाले सीन छोड़ो और ये सोचो कि इतनी एडवांस ह्यूमनॉइड किसने आज इजाद की। ये जानने के लिए इसका पूरा परीक्षण करना होगा, क्योंकि ये तो प्रूव हो गया कि अपने आविष्कारों की टेस्टिंग तुम पर करने का शौक अकेले मुझे नहीं है। और ये जानने के लिए इसका पूरा परीक्षण करना होगा और मुझे पता है कि ये काम कहाँ हो सकता है। डॉक्टर अनीस रजाज लैब। दिस इज अनबिलीवेबल। ऐसा एडवांस मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी विश्व के किसी भी साइंटिस्ट ने अब तक डेवलप नहीं की है, पर किसी न किसी ने तो इसे बनाया है, चाहे इसे बनाने वाला इस दुनिया का हो या किसी बाहरी दुनिया का। और अगर इसके जैसे लाइव मेटल हथियारों की फौज खड़ी हो गई तो इन पर काबू पाना मुश्किल होगा। तुमने और श्वेता ने एक बार इसे परास किया है, दोबारा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर इसे ध्रुव पर टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो इसका निर्माता इसके तापक्रम वाली कमी को दूर कर लेगा, फिर हमारे पास इन्हें रोकने के लिए कोई भी तकनीक नहीं होगी। फिर तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए स्टील? यह तकनीक दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए भले ही अनजानी हो, पर अब 2 जीनियस साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि इस तकनीक पर शोध कर रहे, इसे विकसित कर सकते हैं। और वे 2 साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनीस रजा और श्वेता मेहरा। तुम कहना क्या चाहते हो अमर? यही कि तुम दोनों इस लाइव मेटल पर शोध करके फर्ज के वे सिपाही बना सकते हो जो ऐसे हथियारों के विरुद्ध लड़ सकेंगे, जो कि अब तक इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि देश का कानून और मानवता इसकी इजाजत नहीं देते। हम इस मेटालिका पर शोध करके इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर मेटेलिक कॉर्प्स का निर्माण करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। पर मुझे ये आइडिया ऐसा ही लग रहा है जैसे एटम बम के खतरे से निपटने के लिए और ज्यादा एटम बम बनाना। ऐसा नहीं है भैया, हमारे बनाए हुए मेटल कॉप्स स्टील की तरह ही फर्ज की मशीन होंगे। स्टील के मशीनी शरीर में उस इंसान का दिमाग लगा हुआ है जिसने अपने फर्ज के लिए अपनी जान निछावर कर दी। उस दिमाग का, उस जज्बे का, उस इंसानियत का मुकाबला कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। श्वेता और अनीस कॉम्बैटिंग ड्रोन्स के रूप में इस बात को पहले ही गलत सिद्ध कर चुके हैं ध्रुव, कि मशीनी शरीरों को फर्ज के पतले बनाने के लिए इंसानी दिमाग की, इंसानी भावनाओं की जरूरत होती है। हम दोनों ही इन ड्रोन्स की कार्यकुशलता का नमूना देख चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम कह रहे हो स्टील। मैं अब तक इन ड्रोन्स के आविष्कार और प्रयोग को लेकर ही संशय में था, और तुम लाइव मेटल कॉप्स की वकालत कर रहे हो। और मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा भैया कि तुम इतने इनसिक्योर हो सकते हो।
ये तू क्या कह रही है श्वेता? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी तरक्की से तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। तो तू गलत समझ रही है श्वेता, सही समझा है मैंने। तुम्हें इतनी तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ड्रोन्स और लाइव मेटल कॉप्स तुम्हारी क्राइम फाइटर सुपर हीरोज इमेज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। पर अब समय आ गया है कि अपनी ईगो को किनारे करके इस सच को एक्सेप्ट करो कि राजनगर को अपने रक्षक के रूप में किसी फैंसी सुपर हीरो की नहीं बल्कि टेक्निकल एडवांस पुलिसिंग की ज़रूरत है। समझना तुम्हें होगा श्वेता, जो तुम करने जा रही हो उसका परिणाम ना राजनगर के लिए अच्छा होगा ना ही मानवता के लिए। आगे तुम खुद समझदार हो। तुम्हें कैसे समझाऊं भैया, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। जब तक राजनगर सुरक्षित हाथों में नहीं होगा तब तक तुम एक आम इंसान की ज़िंदगी नहीं जी सकोगे और तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे राजनगर रक्षक होने की जिम्मेदारी का बोझ अब उनसे सहन करना मुश्किल हो रहा है जो तुम्हारे अपने हैं, जिन्हें हर पल ये फिक्र खाए जाती है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। फ्यू डेज बैक, मम्मी घड़ी गजब की भूख लगी है, चूहे तो पेट में ग्रैंड मास्टर रोबो से भी ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। क्या करूं मैं तेरा, घर में घुसते वक्त भी मुंह बंद नहीं रख सकती है। नताशा आई है ध्रुव से मिलने के लिए। अरे नताशा आई है तो मुझे चुप रहने का इशारा क्यों कर रही हो? रुको मैं मिलकर आती हूँ। घोड़ी जैसी हो गई पर अकल नहीं आई तुझे। नताशा ध्रुव से अकेले में कुछ बात करना चाहती है, दोनों को डिस्टर्ब मत करना। दिन भर तेरा भाई गुंडे बदमाशों के पीछे ही अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहता है, कभी उसे अपने आने वाले कल के बारे में भी तो सोचने दे। आखिर तुम चाहती क्या हो नताशा? हम दोनों का आज और आने वाला कल बदलना चाहती हूँ। उसका सिर्फ एक ही तरीका है नताशा, छोड़ दो अपराध की दुनिया, छोड़ दो ग्रैंड मास्टर रोबो को और लौट आओ मेरे पास। क्या तुम अपनी दुनिया छोड़ सकते हो ध्रुव? क्या तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास लौटने को तैयार हो? तुम कहना क्या चाहती हो? अपनी क्राइम फाइटिंग छोड़ दो ध्रुव, पापा का पीछा छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो तुम यहाँ मुझसे रोबो को बचाने का सौदा करने आई हो? मैं यहाँ हमारे भविष्य की आखिरी उम्मीद लेकर आई थी। अपने भविष्य के लिए मैं राजनगर का भविष्य रोबो जैसे मानवता के दुश्मनों के रहमो करम पर हरगिज नहीं छोड़ सकता। जब तक राजनगर है रोबो जैसे शैतान है उनसे राजनगर को बचाने के लिए यह राजनगर रक्षक रहेगा। यह राजनगर रक्षक उसी दिन रिटायर होगा जब राजनगर इतना सुरक्षित हो जाए कि इसे किसी रक्षक की जरूरत ही ना हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया ध्रुव कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। गुड बाय ध्रुव। रुक जाओ नताशा, खुद को मुझसे इतना दूर मत ले जाओ कि मैं चाहकर भी तुम्हें अपराध की दलदल से बचाने ना आ सकूं। दूर तो मैं तुमसे जा चुकी हूँ ध्रुव, पर हम अपराधियों के ईमान तुम शरीफ इंसानों से ज्यादा ऊंचे हैं। जब भी तुम्हें जरूरत होगी नताशा जरूर आएगी। राजनगर, फ्यू डेज लेटर। आज का दिन हिंदुस्तान के और हमारे राजनगर के इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। देश को और राजनगर को फर्ज की मशीन देने वाले डॉक्टर अनीस रजा ने श्वेता मेहरा के साथ मिलकर राजनगर के लिए पहले से ही कहीं ज्यादा आधुनिक रक्षकों का निर्माण किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कॉम्बैटिंग ड्रोन्स। वाओ, अमेजिंग, ऑसम। दिस इज द फ्यूचर ऑफ पुलिसिंग एंड द फ्यूचर ऑफ क्राइम फाइटिंग। छोटे अपराधी हों या फिर बड़े सुपर विलेंस, कॉम्बैटिंग ड्रोन्स पर हर आपदा से निपटने में पूर्णतः सक्षम है। उफ, लेजर बीम के रिसीविंग एंड पर होना कोई सुखद अनुभव नहीं है। निकलो यहाँ से रोबो आर्मी। कॉम्बैटिंग ड्रोन सिर्फ रक्षा की नहीं, मेरी बेटी भीड़ में कहीं खो गई है, प्लीज हेल्प। संरक्षक भी है। थैंक यू सो मच मिस्टर ड्रोन। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में ये ड्रोन्स राजनगर को देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे विकसित और सुरक्षित मेट्रोपॉलिटन बना देंगे। डेड एंड, हाइबरनेशन नाउ। डेल्टा टू बेस, प्लेन ध्वस्त हो गया है पर मैं ठीक हूँ। डेल्टा टू बेस, डैम इट, ट्रांसमीटर भी गया। अब जो करना है मुझे अकेले ही करना है। सम प्लेस अननोन, प्रेजेंट टाइम। हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, मैंने पहले ही कहा था यह उसके बस की बात नहीं है। रेस्क्यू मिशन के लिए मुझे जाना चाहिए था। शांत हो जाओ नक्षत्र, यह संयम खोने का समय नहीं है। अब तो लगता है तुम्हारा ही कथन सत्य होगा मिस्टर नक्षत्र। डेल्टा की नाकामयाबी के बाद तुम्हें ही हाइबरनेशन जाना होगा। मत भूलिए कि डेल्टा से पूर्व हम कमांडो फोर्स को भी हाइबरनेशन भेज चुके हैं। वह जगह एक डेड पॉइंट है, वहां हम जितने भी लोगों को भेजते जाएंगे वे सभी वहीं गर्त होते चले जाएंगे। हमें यह मान लेना चाहिए कि अब यहाँ बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हमें यह मान लेना चाहिए कि अब वहां बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा।
प्रयत्न से पूर्व पराजय न ध्रुव को स्वीकार और ना ही नक्षत्र को। मैं हाइबरनेशन जाऊंगा कमिश्नर और उनके साथ ही लौटूंगा। तुम अकेले नहीं जा रहे हो नक्षत्र, और मुझे कोई लेक्चर पिलाने से पहले मेरी टाइटेनियम के नाखूनों की डिजाइन की कल्पना अपने चिकने चेहरे पर कर लेना। ये एक्सक्लूसिव धमकी हाइबरनेशन के लिए बचा कर रखो, हम दोनों चल रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा कि यह राजनगर ही है। ऐसा होगा ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। इंट्रूडर स्पॉटेड, हाथ ऊपर करो और आइडेंटिटी रिवील करो। मेरी आइडेंटिटी रिवील होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डीएनए स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड। आइडेंटिटी रोबोज आर्मी कमांडर इन चीफ नताशा, इमीडिएट टर्मिनेशन कमांड्स। क्योंकि नताशा वैसे भी तुम्हें स्क्रैप यार्ड पहुँचा कर ही छोड़ने वाली है। ये रस्टिक रेंज किसी भी धातु में चंद पलों में ही जंग लगा सकती है। शक 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 धड़ाक धड़, चाहे वो धातु रस्ट प्रूफ लाइव मेटल ही क्यों ना हो। अब वार्म अप हो गया तो असली प्लान ऑफ एक्शन पर काम शुरू किया जाए। तुम्हारे प्लान ऑफ एक्शन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं मैं। फरसा, तो अब तुम इन टीन के डुब्बों के लिए भाड़े के टट्टू का काम कर रहे हो। यहाँ तेरी या तेरे बाप की हुकूमत नहीं चलती लड़की। राजनगर में जिंदा रहने का सिर्फ एक तरीका है, इन मशीनों की गुलामी करना। यकीन नहीं आता तुम्हारे जैसा क्रिमिनल भी अपनी जान बचाने के लिए किसी का पालतू कुत्ता बन सकता है। बहुत चलती है तेरी जबान, तेरी गर्दन धड़ से उतारने के बाद इसे भी खींच निकालेगा फरसा। ये गया तेरा फरसा और ये गया तू। हाथी जैसी ताकत और हाथ में हथियार, अगर नताशा को हराने के लिए सिर्फ यही काफी होते तो नताशा के नाम के आगे कमांडर नहीं होता। कमांडर होने का मतलब ये नहीं कि हर सुपर विलेन तेरा और ग्रैंड मास्टर रोबो का गुलाम हो गया। हैमर, तो फरसा अकेला नहीं है, पर तुम बिल्कुल अकेली हो और असहाय भी। तुम्हारी हल्की सी भी हरकत हथौड़े और हमारे सिर के बीच की दूरियां मिटा देगी। सरेंडर कर दो। क्यों? तीन तीन टॉप लेवल क्रिमिनल एक साथ एक ही जगह पर। अगर ये राजनगर होता तो तुम्हें जरूर गिरफ्तार करती मैं। इंस्पेक्टर सलमा खान, पर अफसोस अब ये राजनगर नहीं रहा, यह एक जहन्नुम बन गया जिसका नाम हाइबरनेशन है। मैं यहाँ दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर आई हूँ। तुम्हें हाइबरनेशन को समझने में वक्त लगेगा नताशा, यहाँ खुद के अलावा दूसरा कोई दोस्त नहीं है। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ इनके जैसों के मुकाबले में मेरे पास मौजूद असला बारूद बहुत कम है। हम कहाँ जा रहे हैं? सुरक्षित स्थान पर। कौन सी जगह है ये? ध्वस्त हो चुके राजनगर में सिर्फ यही एक इमारत है जहाँ ये ह्यूमनॉइड नहीं आते। अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रही हो, अपनों को बचाने की कोशिश। अपने? क्या तुम्हारा इशारा ध्रुव और श्वेता की ओर है? तुम्हें किसे बचाना है? स्टील को? स्टील? अब ना तो कोई फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील है और ना ही अमर। मैं अगर इस जहन्नुम में हूं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मेरे भाई डॉक्टर अनीस रजा। हाइबर जोन अर्लियर नोन एज राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर्स प्रेजेंट टाइम। ये तुम्हारा आखिरी मौका है हमारे सहयोग करने के लिए। करने के अलावा अब कोई रास्ता तुम्हारे पास बचा नहीं है। अपनी जान लेने का रास्ता बचा है मेरे पास। मर जाऊंगा पर वह नहीं करूंगा जो तू चाहता है। अफसोस मेरे दोस्त, मरने का ऑप्शन तुम्हारे पास मौजूद ही नहीं है। भला दुनिया में अपने सबसे जिगरी दोस्त को मैं मरने कैसे दूंगा? उस दोस्त को जिसने मुझे मरने के बाद भी जिंदा रखा, मुझे वे अपार शक्तियां दी जिन्हें मैं फर्ज का पुतला बने सिर्फ ढो रहा था। पर अब समझ आ गया है उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इंसानों के अस्तित्व को मिटाकर मशीनों का अपना साम्राज्य स्थापित करने का, जो कहलाएगा हाइबरनेशन। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हाइबरनेशन के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।